सब्सक्राइब करें, बेल के निशान को दबाएं ये कैसे की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहता हूँ आप सबको ये कैसे में। फ्रेंड्स, पहले आप ये वीडियो देखें और फिर मजीद डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के निशान को दबा दीजिए। ونسى اخويا والان شوف كلامه هو تو طالع من العمليات كم ساعه ما له الا ربع ساعه ربع ساعه يعني هذه مراجل تتوالى خدمتك لبلدك لكن ان شاء الله احنا نزورك في وقت يكون افضل لك وتكون ان شاء الله مرتاح ونستضيفك ونقوم ان شاء الله بواجبك بما يليق بك ويليق باهلك حمولتك حمولة طيبه وقبيلتك قبيلة طيبه مثبت العقاب هذا فوق الراس جاء عليك زوج وانا ابيك تقبل مني هالبشت هذا بشتي ابوي عطاني اياه ابيك تقبل احطه عليك اسمع 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 مقبول لا ترد يا عبد الرحمن ان شاء الله نحضر مناسباتك ولهم كل طيبه كلها عبد الرحمن انا اللي زايرك انا بصلح الفراش عبد الرحمن दोस्तों ये हैं अमीर बिन तलाल, वलीद बिन तलाल के भाई हैं। ये एक फौजी के इजादत कर रहे थे जो सऊदी अरब की हफाजत की खातर जख्मी हुआ है। अमीर बिन तलाल ने इस फौजी को किस कदर इज्जत दी कि अपना जुब्बा उतार कर इसकी टांगों पर रख दिया, हालांकि वो फौजी मना करता रहा। असल में ये इज्जत देने के तरीके हैं जो हर किसी को रवाजात सकाफती तरीका होता है। ना सिर्फ चुबा दिया बल्कि सर भी चूमा। सर चूमने पर भी सऊदी फौजी ने मना किया कि नहीं आप ना चूमें, अब ये सऊदी रवाजात के मुताबिक इज्जत देने का एक तरीका है। हर किसी की कोशिश होती है कि मैं उसका माथा चूमूं, उसे इज्जत दूं, इसलिए ये सारी चीज़ें आपने देखी। आप सब जानते हैं सऊदी अरब में बादशाहत है, अगर ये लोग ना भी इज्जत दें फिर भी फौजी जाके लड़ेंगे, बॉर्डर पर सऊदी अरब की हफाजत भी करेंगे। अब सऊदी शहजादे ने जख्मियों की इतनी हौसला अफजाई करते हैं तो शहीदों की कितनी इज्जत होगी। बहुत सारी वीडियोस आती हैं तो मैं कोई खुशामद नहीं कर रहा सऊदी अरब की, बल्कि हकीकत दिखा रहा हूँ। सऊदी वजीर होने के बावजूद अपने शहीदों और जख्मियों को इज्जत देते हैं। तो बस ये एक छोटी सी वीडियो थी। हमारी मजीद वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ये कैसे।